और वहीं यूपी के बरेली में एसडीएम पद पर तैनात ज्योति मौर्य का मामला सोशल मीडिया पर छाया हुआ है और इसका असर भी अब देखने को मिल रहा है। इसका किस तरह का इफेक्ट है ये कई जगहों पर देखने को मिल रहा है। पति पत्नी की या तो पढ़ाई छुड़ा रहे हैं या फिर उन्हें कॉम्पिटिशन की तैयारी करने से रोका जा रहा है, तो ये साइड इफेक्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। दावा ये भी किया जा रहा है कि पटना के खानसर की क्लास से भी 93 महिलाओं को उनके पति ने क्लास जाने से रोक दिया है। और इस पर दरभंगा में महिलाओं की राय जानी हमारे सहयोगी विपिन कुमार दास ने। अफवाह जो फैल रही है कि जैसा कि मैंने सुना कि बहुत सारी जो पति हैं अपनी पत्नियों को वापस ले आए, घर वापसी कर ली कि चलो नहीं पढ़ना है, तो इतनी जल्दी इस निर्णय पे पहुंचना उचित नहीं होगा। समय देते हुए इसको पूरी जांच पड़ताल करनी चाहिए, कौन सही कौन गलत, अभी हम इतनी जल्दी निर्णय पे नहीं पहुंच सकते। इसको रोकने के लिए तो समाज में जागरूकता लाना पड़ेगा, एक चीज। दूसरा, जैसे लड़कियां पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, तो लड़कियों की सोच भी बदल रही है। आज हर कोई इससे प्रभावित हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि हर एक ज्योति मौर्य के साथ ऐसा हुआ कि वो एसडीएम बनी तो हस्बैंड के साथ विवाद हो गया, ऐसा नहीं है। बहुत सारी लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, ऐसा सभी के घर में नहीं हो रहा है। ये पति पत्नी का मामला है, इसे घर में ही सलटाना चाहिए था। फिलहाल अगर इसे लाया गया तो इसके पीछे की भी बैक हिस्ट्री हमको देखना चाहिए, जहां औरतों ने अपना गहना बेचकर अपने घर में कुछ करके अपने पति को आगे बढ़ाया और उसके पति ने दूसरे के साथ शादी करके उसे घर से निकाल। ये हमारे समाज में जो अच्छे नाम तो नहीं लिया जाता है, लेकिन जो अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं उनके पीछे की भी यही कहानी है। तुम आलोक मौर्य की बातों को सुन के बस उनके पीछे पड़ गए कि आखिर जानना चाहिए तो दोनों का पक्ष जानना चाहिए कि उनके साथ भी हो सकता है ज्योति मौर्य के साथ भी कुछ प्रॉब्लम रहा हो जो उनको ये कदम नहीं, तो आज उनके दो बच्चे हैं, मतलब हस्बैंड को छोड़ना आसान रहता है मेरे हिसाब से, लेकिन बच्चों को छोड़ना बहुत ही मुश्किल रहता है। ऐसे ही बिहार के मुजफ्फरपुर में भी कोचिंग क्लासेस करने वाली छात्राओं ने भी इस अहम मसले पर अपनी राय दी है। ज्योति मौर्य ने किया, उसके लिए हम लड़कियां ही क्यों सहे, उन्होंने किया उनकी कोई प्रॉब्लम होगी, बट हमें अपनी इच्छा से पढ़ने की ये होनी चाहिए और हमारी फैमिली जब पढ़ा रही है तो हमें भी ईमानदारी पूर्वक पढ़ाना चाहिए, क्योंकि हम लड़कियां ने कुछ ऐसा नहीं किया, जो की हैं उनकी वजह से हम क्यों सहे। ये दरअसल बहुत ही गलत है, एक सजा सबको नहीं मिलनी चाहिए। माना कि ज्योति मौर्य ने गलत किया, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हर लड़की गलत ही करेगी। अगर किसी को मौका दिया जाए पढ़ने का तो वो अच्छा भी कर सकती है। जो कि है उनका सजा तो सबको तो नहीं मिलना चाहिए ना, ये अपने अति में किए, मत दूसरे लोगों को भी अति मौका मिलना चाहिए। हाँ, वो नहीं मिलना चाहिए। तो एक तरफ जहां पति आलोक मौर्य अपनी पत्नी को पढ़ाने लिखाने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं ज्योति मौर्य ने पति पर दहेज उत्पीड़न और झूठ बोलकर शादी करने का आरोप लगाया है। और इन तमाम विवादों के बीच न्यूज 18 की टीम ज्योति मौर्य के ससुराल पहुंची, जहां उनके ससुर बेटे और बहू के बीच अनबन की वजह से डिप्रेशन में चले गए। जब हमने उनसे बातचीत करनी चाहिए तो वो फूट फूट कर रो पड़े। क्या कुछ परिवारजनों ने कहा है आप भी सुनिए। पीसीएस ज्योति मौर्य और उनके पति के बीच अब शायद कुछ बाकी नहीं है जिसे बचाने के लिए दोनों कुछ कर सके। ज्योति मौर्य को रंज इस बात का है कि उनके पति ने उनके रिश्ते के विवाद को जग जाहिर कर जगहसाई करवाई है और सरेआम पति पत्नी के रिश्ते की मर्यादा को तार तार कर दिया है। अब इसके बाद कुछ बचा नहीं है, जिसके लिए ज्योति मौर्य आलोक के साथ एक पल भी रहने की सोचे। इसीलिए ज्योति मौर्य ने साफ साफ कह दिया है कि वो चाहे जो करेंगी लेकिन अब अपने पति के साथ जिंदगी गुजारने की सोच भी नहीं सकती। हम किसी को छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, हम अपनी जिंदगी में क्या करेंगे, हमको छोड़ेगा क्या करेगा हमको नहीं पता, लेकिन हम आपके साथ नहीं रहेंगे। पति आलोक से अलग होने के लिए ज्योति मौर्य का आरोप है कि उनके पति और ससुर उनसे दहेज की मांग करते थे, जिससे वो तंग आकर तलाक लेना चाहती है। ऐसे में ज्योति मौर्य के आरोपों की सच्चाई जानने के लिए हम उस गाँव पहुँचे जहाँ ज्योति मौर्य ब्याह कर लाई गई थी, यानी आलोक मिश्रा के पुश्तैनी घर आजमगढ़ के बचवल गांव में। हमारी टीम सीधे ज्योति मौर्य के ससुराल पहुँची, जहाँ घर के बाहर और अगल बगल के पड़ोस में सन्नाटा पसरा हुआ था।